सुजानपुर पुलिस की ओर से एक ट्रक से 50 बोतल अवैध शराब सहित दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जानकारी में थाना प्रभारी अवतार सिंह ने बताया कि उनकी ओर से माधोपुर में नाके के दौरान गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी कि एक ट्रक जो कि मलिकपुर से जम्मू जा रहा था उससे यह शराब बरामद की। पूछताछ पर उसकी पहचान मक्खन सिंह पुत्र करनैल सिंह व वरेंद्र शर्मा पुत्र सर्वदेव के रूप में हुई है, जो उधमपुर निवासी हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिल्कुल, कल साढ़े सब इंस्पैक्टर अंग्रेज सिंह होना ने माधोपुर नाका लगाया होगा। चैकिंग दौरान एक इनफॉर्मेशन आधार पर एक गड्डी जी है वो ट्रक SPP 03-27711 रोकया। तो वो ड्राइवर जो मक्खन सिंह सन करनैल सिंह जो जम्मू का रहने वाला, तो वह एक साथी होर नाल वरिंदर शर्मा, इन्हों ने दोनों पुछगिछ तो बाद तलाशी लिया गड्डी चो सू 50 बोतल शराब, ये जी शराब ठेका वक् वक् तरह की 21 बोतल के रम ही पंजाब कमांडो 3X रम जी सी 15 मकडावल है 7 RC और 7 बोतल होर, ये टोटल 50 बोतल यदि शराब जी माधोपुर नाके तो बरामद हुई है। तो सर किन्ने बंदे आ गए सी? ये दो बंदे, एक मक्खन सिंह तो एक जरा दूसरा ड्राइवर वरिंदर शर्मा, इधरों जम्मू साइड में जा रहे थे क्योंकि ला तालाबंदी दौरान उधर शराब की काफ़ी सख्ती है, इधरों जो ये उतर शराब जा रहे थे, जिन्हों के खिलाफ अभी एक नंबर मुकदमा दर्ज करके पुलिस को जा रही। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।